बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज हम आपको बहुत ही प्यारे स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। गर्मी आ गई है और जो लॉन और कॉटन के कपड़े होते हैं उनके स्लीव्स का कपड़ा बहुत कम होता है। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो क्वार्टर बाजू पहनते हैं और बहुत से ऐसे भी होंगे मेरे जैसे जिनको फुल स्लीव्स ही अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर लॉन और कॉटन के साथ बाजू का जो कपड़ा होता है वो लंबाई में कम होता है और जो फ्रंट और बैक से कपड़ा निकलता है वो हम शोल्डर वाली साइड पर डालते हैं, तो उस सूरत में जो जोड़ आता है वो बहुत अजीब सा लगता है। तो आज हम आपको उसका हल भी बताएंगे और साथ में बहुत ही खूबसूरत से स्लीव्स डिज़ाइन भी। तो बाजू का जो जोड़ आएगा वो भी नहीं आएगा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक शर्ट का कपड़ा लिया है, इसके एक साइड पे बैक है और दूसरी साइड पे फ्रंट है और ये सेंटर में स्लीव्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाली बैक फ्रंट साइड है और ये बाजू है और इस साइड पे बैक है। तो हम बाजू का कपड़ा निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने स्लीव्स का कपड़ा निकाल लिया है और इसको प्रेस करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पीछे वाली जो साइड है शोल्डर वाली, यहाँ से ये तिरछा कपड़ा हम निकाल के बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमें टोटल तैयार स्लीव्स चाहिए वो 21.5 इंच तैयार चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 18 इंच आ रहा है, तो हमारे पास 3.5 इंच बाजू कम हो रहा है। यहाँ शोल्डर वाली साइड पे हमने कपड़ा डालना है, कंधे वाली साइड पे, तो उसके लिए हमने जो अपनी शर्ट के बैक साइड से या फ्रंट से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है वो लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। यहाँ पर इस कपड़े को फोल्ड करके हमने बैक साइड पर डालना है, तो टोटल जो इसकी लेंथ होगी वो हम 23 इंच लेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए और 4 पिंटिक्स डालनी है उसके लिए। तो तैयार हमारे पास स्लीव्स की लंबाई जो है वो 21.5 इंच आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने अपने स्लीव्स को काट लिया है। बैक साइड पे हमने ये वाला कपड़ा डाला है, तो यहाँ पर ये वाला जो कट आता है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर सीढ़ी लेस डालनी है। आप सीढ़ी लेस भी डाल सकते हैं या इसकी जगह पे आजकल आपको पता है बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा लेसेस अवेलेबल हैं, जैसी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले लें, वो डाल लें या फिर कमीज़ का बॉर्डर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखें, यहाँ पे हमने अपना स्लीव्स लिया है और उसके जोड़ में हमने यहाँ पे ये सीढ़ी लेस लगानी है। इस तरह से हम सीधी साइड पर रखेंगे इसको लेस को। अब देखें, उल्टा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब जो पीछे हमने कपड़ा डालना है शोल्डर पे वो वाली साइड लेंगे और इस साइड से भी सीधी लेस को सिलाई लगा लेंगे। अब देखें, यहाँ पे हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप इसके ऊपर भी यहाँ साइडों पे सिलाई लगाना चाहते हैं तो ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और प्रेस कर लेंगे। अब जो आगे वाली साइड है स्लीव्स की, बैक साइड से नहीं, जो आगे वाली साइड है यहाँ पे, इस पर हमने 4 पिंटिक्स डालनी है बिल्कुल बारीक सी, जो सिलाई किनारे पे लगी होती है वो वाली छोटे वाली पिंटिक्स। 1 इंच हमने छोड़ा है, 1 इंच छोड़ के 1 इंच का गैप देके हम 1 पिंटिक्स डालेंगे, फिर 1/2 इंच का गैप देके दूसरी 1/2 इंच पर हमने 4 डालनी है। पहले वाली पर हमने 1 इंच का गैप छोड़ना है। अब यहाँ पे ये वाली जो दूसरी हम लगाएंगे इस पर हमने 1/2 इंच गैप छोड़ा है, सेम हमने ऐसे ही 4 डाल लेनी है। तो आप देखें, यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स की लुक है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत आ रही है। बस सिंपल से हमने पीछे सीढ़ी लेस डाली है और आगे 4 पिंटिक्स डाली है। थोड़ी सी मेहनत पे आप देखें हमारे स्लीव्स की लुक ही चेंज हो गई है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। अब आगे फ्रंट पे देखें, ये पट्टी लगाई है। अब बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे आप ही आप पट्टी लगाना बताएं, तो अब आप देख लें हमारी जो पीछे एक पाइपिंग वाली और एक चौक डिज़ाइन वाली वीडियो है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने एक दामन पे ये पट्टी लगाना सिखाई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, हमारे जो स्लीव्स हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। तो चलिए हम आपको स्लीव्स का दूसरा डिज़ाइन बताते हैं। आप देखें, यहाँ पे हमने एक और सूट के स्लीव्स लिए हैं, सेम उसके साथ भी यही मसला है कि स्लीव्स की लंबाई कम थी, तो बैक साइड से जो कपड़ा निकला था वो हमने काट के पीछे शोल्डर वाली साइड पे डाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने स्लीव्स को काट लिया है। अब इस कट में हमने यहाँ पे इस तरह से समोसा डिज़ाइन
लगाना है। तो उसके लिए हमने 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है। इसको फोल्ड करके यहाँ पे भी हमने इस तरह से स्मोसेस डिज़ाइन बनाना है और फ्रंट पे भी। अब आप देखें यहाँ पे मैंने स्लीव्स की जो फ्रंट वाली साइड है वो ली है इस तरह से 1.5 इंच तक। हमने इसको छोड़ के ये वाला जो 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में कपड़ा लिया था इसको इस तरह से फोल्ड करके समोसा डिज़ाइन में यहाँ पे रखना है। 1.5 इंच आपने ये चीज़ याद रखनी है, 1.5 इंच आपने छोड़ना है क्योंकि आपने स्लीव्स के अंदर जो कपड़ा दे रखना होता है एक्स्ट्रा, तो बाद में फिर वो मसला ना हो। इस तरह से आप देखें इनकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए, एक बड़ा छोटा ना हो, फिर बाद में मसला बन जाता है। तो आप इस चीज़ की इसका ध्यान पहले ही रख लिया करें। तो अब बाकी आप देखें दूसरी साइड से भी 1.5 इंच छोड़ के आप इस तरह से समोसे डिज़ाइन लगा लें। तो आप देखें यहाँ पे दोनों साइड पे 1.5 इंच छोड़ा है, इस तरह से लगा लिया है। अब ये जो बैक साइड पे हमने शोल्डर वाली साइड पे कपड़ा डाला था ये लिया है और इसके ऊपर हमने ये वाला रखना है जो समोसा डिज़ाइन वाली सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल साथ हमने बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल छोड़ के थोड़ा सा उसके साथ सिलाई लगानी है। इस तरह से अब हम इसको सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे और यहाँ इसकी सीधी साइड बिल्कुल किनारे पे सीधी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। आप देखें यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन इस तरह से आया है। अब इसकी बैक साइड पे हमने 1 इंच छोड़ के यहाँ पे छोटी सी पिंटिक्स डालनी है और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के दूसरी पिंटिक्स डालेंगे। सेम ऐसी हमने फ्रंट वाली साइड पे भी 2 पिंटिक्स डाल लेनी है। देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 पिंटिक्स डाली हैं और यहाँ आप फ्रंट वाली साइड पे भी 2 पिंटिक्स डाल लेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये वाला समोसा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो समोसा डिज़ाइन की दोनों साइड पे हमने 2 2 पिंटिक्स डाली हैं। तो आप डिज़ाइन खुद देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्लीव का डिज़ाइन बन गया और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग से आपको मिल गया है। तो आप देखें यहाँ स्लीव्स के फ्रंट पे भी हमने समोसा डिज़ाइन बना लिया है। तो इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसी तरह का एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो आप देखें यहाँ पे हमने एक और सूट के स्लीव लिए हैं। तो इसके स्लीव्स पे हमने फ्रंट के वाली साइड पे डिज़ाइन बनाना है। अब बहुत से सूट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बॉर्डर रहता है, तो वो आप बॉर्डर उतार के फ्रंट वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। इनका एक ये भी सोल्यूशन है, अगर बॉर्डर ना हो, हर एक के साथ नहीं होता, तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन हम आपको फ्रंट पे बताएंगे, 2 हमने आपको बैक साइड पे बताए हैं। तो आपका पता है आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस तरह की बहुत सी ट्रिक्स होती हैं जिन पे हम अमल करके अपने स्लीव्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमें जो स्लीव्स तैयार चाहिए 22 इंच चाहिए, तो देखें सेम वैसी हमें यहाँ पर 4 इंच कम पड़ रहे हैं। तो अब हम फ्रंट पर 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी की शर्ट के हमने फ्रंट वाली साइड से ये निकाला है हाफ वाइट कलर का। इसकी जो फ्रंट थी वो थी आप देख सकते हैं, तो उसकी साइड से जो कपड़ा निकला था वो लिया, इसको फोल्ड करना है हमने। और यहाँ पे स्लीव्स के फ्रंट वाली साइड पे रखना है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो फ्रंट वाला हमने पार्ट लिया है इस पर हमने तिरछी पिंटिक्स डालनी है, तो हमने इसको चौड़ाई में इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो 4 इंच से जो एक्स्ट्रा था वो काट लिया। अब यहाँ पे देखें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो वो ऊपर वाली साइड पे आप छोड़ दें उसको और बाकी की स्लीव्स की इस तरह से कटिंग कर लें। ये वाला जो पीस है साइड वाला, ये लंबाई में थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है स्लीव्स की, तो इस पर हमने इस तरह से तिरछी पिंटिक्स डाली है, तो वो कपड़ा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये वाला जो फ्रंट वाला हमने अलग से कपड़ा लिया था, इस पर हमने इस तरह से तिरछी पिंटिक्स डाल लेनी है सारे कपड़े पे।
इस तरह से देखें, एक एक इंच के फासले पे हमने डालनी है ये पिन टिक्स। बाकी भी हम सेम ऐसे ही डाल लेंगे। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो फ्रंट वाला पीस था, इस पे हमने इस तरह से तिरछी पिन टिक्स डालनी है। अब यहाँ फ्रंट वाली साइड पे ये लेस लगाएंगे। आपके पास अगर ये लेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। या फिर आप इसके फ्रंट पे स्मोसर डिज़ाइन भी लगा सकते हैं, या इसको कुछ और लुक देना चाहें, जैसी आपकी अपनी मर्जी हो उस हिसाब से। तो हमारे पास ये लेस थी तो हमने यहाँ पे इसको लेस को रखना है इस तरह से, हाफ इंच कपड़ा छोड़ के। इस तरह से आप देखें यहाँ पे हमने इस साइड पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो हाफ इंच कपड़ा छोड़ा था इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें फ्रंट से हमारे जो स्लीव्स की लुक है बहुत ही खूबसूरत आ रही है। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पे ये वाली लेस ली है, इसको इस तरह से फ्रंट पे ये लगाई है, बैक साइड पे अब ये रखेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा लेस है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देखिए पहले हमने सिलाई जो लगाई थी वो लेस की उल्टी साइड पे लगाई थी कपड़े को, कपड़े पे रख के। अब हम इस तरह से सीधा करेंगे और कपड़े की सीधी साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमारी लेस इस तरह से आई है। अब यहाँ पे ये वाला हमने स्लीव्स लेना है, इसको हमने यहाँ पे सीधी साइड पे रखना है, और ये ऊपर हमने इस तरह से उल्टी साइड पे रखना है। जो एक्स्ट्रा लेस है वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, सेम इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम सीधा करेंगे और सीधी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे कपड़े की। तो आप देखें यहाँ पे हमारा तीसरा स्लीव भी तैयार हो गया, इस पर भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आया। यहाँ पर आपको अपने मसले का हल भी मिल जाएगा यहाँ पे, और आप अपने स्लीव्स पे बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बना लेंगे। आपको पता है आजकल इस तरह के डिज़ाइंस का बहुत ही ज़्यादा फैशन है। तो आप देखें इन तीनों स्लीव्स की लुक बहुत प्यारी आई है। मैंने बहुत कोशिश की है कि हर चीज़ को डिटेल से बता सकूं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।